हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है इस टॉपिक के बारे में कि अक्सर लोगों को विंडो 10 में ये इशू आ रहा है कि उनकी डिक्स 100/100 बता रहा है, मीन कि डिक्स आपकी कंप्यूटर की चेक की जाए तो आपकी फ्री हैंग भी होगी और इससे आपका सिस्टम हैंग भी कर रहा होगा और काम भी नहीं करता, कि ये डिक्स कब नॉर्मली 1-2% पे या 90% पे भी जिसकी है तो वो इसका मीन के जो पीसी होता है वो हीट अप कर रहा होता है। तो ये उस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि ये किस तरह आप 100% से कम कर सकते हैं, मीन कि इसके पीछे बैकएंड पे ऐसी जो इसकी फाइल्स होती हैं वो लगी होती हैं। अब जिस तरह हमारी ये स्टोरेज देख सकते हैं आप इसकी पीसी की, ये है 28 GB फ्री है, 101 GB की मैंने स्टोरेज इसको दी हुई है लेकिन उसमें भी 28 GB फ्री है। तो उसके बावजूद भी ये इधर डिस्क 100% शो कर रहा है, ये कम शो नहीं करता। तो आपको ये कैसे कम करने हैं तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। तो स्किप किए बगैर आप ये वीडियो देखते रहें। उसके लिए सबसे पहले हमने जाना है डिसेबल विंडो सर्च सर्विस, मीन के डिसेबल विंडो सर्च सर्विस को बंद कर देना है, कि मीन के जो ऑटो सर्च कर रही होती। तो उसके लिए हम सबसे पहले किधर जाएंगे, आपने टास्क अपना मैनेजर खोलना है, उसमें आपने जाना है सर्विसेज पर। सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज में आपको ये मैं बता देता हूँ ये कौन से ऑप्शन में जाना है। मैंने ओपन कर दिए, इसमें ना ये नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा ओपन सर्विस, ओपन सर्विस आपने क्लिक करनी है। ओपन सर्विस में आपने ये एक पेज, नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी ये सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ले रहा है। तो ये हमने ओपन सर्विसेज ओपन कर लिया, ठीक है, ये ओपन सर्विसेज ओपन कर लिया। इसके बाद आपने इसमें नीचे जाना है विंडो के W के ऑप्शन में, ठीक है, इधर लिखा होगा विंडो सर्विसेज और नीचे आ जाए ये इधर आ जाएगा, विंडो शुरू हो गया, विंडो में सर्विसेज तक वेट करना है, ये आ गया विंडो सर्विसेज, ठीक है। आपने विंडो सर्विसेज पे जाना है और इसमें प्रोग्राम यूज़र पे जाना है, ये हम साइड पे क्लिक करेंगे। ये इसमें आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज़ में ये देखें ओपन हो गई है इसकी, जर्नल लॉग इन रिकवरी और डिफेंस, तो ये सारी चीज़ें इसकी ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपने चले जाना है ये स्टार्टअप टाइप में, इसमें क्लिक आपने करना है और इसको कर देना है डिसेबल, ठीक है। ये मैं दोबारा से, ये हुआ नहीं है, ये अब डिसेबल और ये मैंने कर दिया अप्लाई कर दिया, ओके कर देंगे, ठीक हो गया। ये अब आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया कि आपने विंडोज सर्च ऑप्शन बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया, ठीक हो गया। इसको हम कर देंगे बंद, ठीक हो गया। वापस आपने अपने मेन मेन्यू में चले जाना है, फिर सेकंड आपने अपना लैपटॉप रीस्टार्ट कर देना है। आपको फ़र्क उससे ही पता चल जाएगा, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन में भी जाना होगा, लेकिन इससे पहले हम जाएँ तो उससे पहले हम लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दें। ये आप देख सकते हैं कि सिस्टम की कितनी बुरी है, कोर i5 सिस्टम है मेरे पास और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इशू आ रहा है, मीन कि इस तरह का इशू आपके पास भी लाजमी आ रहा ही होगा कि हैंगिंग का, इसकी आप बैटरी रिमूव करते होंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत ये काम करता होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। ये हम कर देते हैं इसको रीस्टार्ट, ठीक है, ये भी रिस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये अब देख सकते हैं मेरा सिस्टम ऑन हो गया है। अभी इसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि अभी डिक्स कितनी है। ये आप देख रहे थे 0 थी और डायरेक्ट 100 पे वापस चली गई है, ठीक है। और ये सर्विसेज वगैरह सिस्टम ये देखें ये चलने शुरू हो गई हैं, 100 पे वापस चली गई। तो इसके अगले स्टेप भी हैं कुछ, तो वो मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। अगला स्टेप क्या करना है, आपने अगला, ये हम आ गए हैं टास्क शेड्यूल में, ठीक है।
ये अब आपने इधर सर्च बार में लिख देना, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ऐप आपने ओपन कर लेनी है। ये ऐप जैसे ओपन हो जाती है तो आपके पास ये देखिए मेन्यू आ जाएगा। इसमें आपने क्लिक करना है टास्क शेड्यूल लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक हो जाता है तो इसके बाद आपने क्लिक करना है विंडोज़ पर। ये आपकी विंडोज़ है, विंडोज़ पे आपने क्लिक कर दिया है। विंडोज़ के बाद आपने नीचे जाना है डी के ऑप्शन में। तो ये अब हम चले जाते हैं इसमें, डी में डी फ्रैक्स। ठीक है, इसमें आपने चले जाना है। डी फ्रैक्स में ये आप देख सकते हैं शेड्यूल रिफ्रैक्ट रेडी बता रहा है। ठीक है, इसमें आपने ये एक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं कि एक्शन आपने क्या लेना है इसमें। पहले सबसे पहले आपने इसमें एंड कर दें इसको। ठीक हो गया, ये जैसे एंड कर देंगे उसके बाद आपने इसको कर देना है डिसेबल। डिसेबल हो गया है तो आप ये देख सकते हैं ये डिसेबल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये डिसेबल हो चुका है। तो उसके बाद आपने दोबारा से जाके अपना पीसी रीस्टार्ट कर देना है। डिसेबल हो जाए तो उसके बाद आपने इधर ही आ जाना है और अपना पीसी दोबारा से रीस्टार्ट पे कर देना है। तो ये रीस्टार्टिंग में वापस स्किप कर देता हूँ और वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रीस्टार्ट हो गया, ये जैसे ही वेलकम कर लेता है। तो फिर इसके बाद हमने जाना है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर कि इसकी कोई अपडेट वगैरह तो विंडो की आई हुई तो नहीं है, तो वो देख लेनी है। तो आप वो डायरेक्ट कंट्रोल पैनल में से भी जा सकते हैं और जिस तरह आप जाना चाहें अपडेट अपनी चेक करने के लिए। इसी के एक मिनट, ये हम सेटिंग पे आ गए। सेटिंग पे ये अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें आपने आपने जाना है और अपनी विंडो चेक कर लेनी है कि कोई अपडेट तो नहीं है। जिस तरह आप देखें मेरा पीसी बता रहा है, ज़रूरी नहीं आपके पीसी में भी ये ऑप्शन हो, मीन कि ये कोई किसी चीज़ का एरो सिक्योरिटी एरो बता रहा है, योर डिवाइस इज मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड क्वालिटी फिक्स। तो ये मैं फिर बाद में भी कर लूँगा, लेकिन आपने सिर्फ इसमें अपडेट चेक करनी है कि ये देखें ये एक आई हुई भी है फिज़िकल, लेकिन अभी ये मैं रिपोर्ट नहीं करता आपको, पहले ये चीज़ का मसला हल करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, अपडेट आपने चेक कर लेनी है। अपडेट ना आई हो तो आपने वापस इसको ख़त्म कर देना है और आपने इधर सर्च बार में आ जाना है और ये सर्च करना है। आपने सर्च कर लेना है डिवाइस मैनेजर। ठीक हो गया सर, ये आप कैसे सर्च करेंगे डिवाइस, डिवाइस मैनेजर। ठीक है, ये आपके कंट्रोल पैनल में भी पड़ा होता है, आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं इसको। जैसे ओपन हो जाता है फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि करना आपने क्या है। डिवाइस मैनेजर देखें ओपन हो गया, लोडिंग कर रहा है। इसमें आप देख लें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या कोई भी अदर डिवाइस में चले जाएं, पहले कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, इनके सारे अपडेट ड्राइवर्स हैं। मेरे हिसाब से मेरे उसमें कुछ भी नहीं है, मीन के सारे ईच एंड एवरीथिंग ही ओके ही हैं इसमें। तो कोई भी आप देख सकते हैं कोई भी ड्राइवर की अपडेट या कोई वो नहीं हुआ, मीन के सारे ड्राइवर अपडेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसको बंद कर लेना है और अपना वापस टास्क मैनेजर ओपन करना है और इसमें एक चीज़ चेक करनी है कि सर्विस हॉस्ट का ऑप्शन के सुपर फैक्स ऑन है या नहीं है। तो वो सर्विस हॉस्ट ठीक हो गया, ये रहा ऑप्शन। तो इसको बंद करने के लिए मीन के ये काम कर रहा है सुपर हॉस्ट, मीन के सर्विस हॉस्ट के और भी ऑप्शन हैं इसमें अपडेटेड।
बंद कर दूँ। तो इसके बाद ये सुपर सर्विस होस्ट के बारे में देख लेना है। इसके बाद ये देखें जिस तरह एप्लीकेशन ये ऑन है। तो इसके बाद हमने जाना है कमांड में कि कमांड आपने बनानी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर सर्च बार में चले जाएंगे और CMD लिख देंगे। CMD ये कमांड प्रोमोट बन जाएगी, आपके पास ये आ जाएगा कमांड प्रोमोट का पेज। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना क्या है वो मैं आपको नीचे उसमें भी लिख दूंगा और आप इधर से डायरेक्ट कर देख के भी लिख सकते हैं। तो ये मैं लिखने स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं ये चीज़ नीचे आपको लिख कर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। NET.EXESTOP stop SUPERFETCH। ठीक है, ये आपने कमांड बना लेनी है अपने पास या आप जिस तरह ये मैंने लिखा है सेम इसी एट इस मैं आपको इसमें वीडियो के एंड पे भी बता दूंगा लिखकर। और इसके बाद आपने कर देना है इसको इंटर। और कुछ टाइम आपने इंतज़ार करना है। मेरी ऑलरेडी शायद ये कमांड ऑफ ही थी तो इसने बता दे कि इनवैलिड कमांड बता रहा है, लेकिन ये आपने चेक कर लेनी कि आपके पीसी में ओपन ना हो। ठीक हो गया, इसके बाद ये अब आप जैसे देख सकते हैं कि 85-86 पर आ गई है, 57-59-60 ये अब देख रहे हैं कम होती जा रही है डिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे।